हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सब आर्किटेक्ट के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ कि यूपीएससी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के लिए आर्किटेक्ट के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ upsconline.nic.in पर जाकर एडवर्टाइजमेंट भी पूरी देख सकते हो, उसके साथ साथ उसका फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो। सो मैं आज आपको बताऊंगी इसके अंदर डिटेलिंग क्या है, कैसे कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है और क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। सो देखिए, 3 नंबर के पोस्ट में लिखे हुआ है 53 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी आर्किटेक्ट इन सीपीडब्ल्यूडी, जिसके अंदर एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 24, पीडब्ल्यूडी के लिए 03। ऐसे टोटल 53 वैकेंसीज हैं डेप्यूटी आर्किटेक्ट के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसके क्वालिफिकेशन पे आते हैं कि व्हाट इज द डिजायर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दैट। सो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यू शुड बी एन आर्किटेक्ट। मतलब यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिग्री ऑफ आर्किटेक्ट इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। यू शुड हैव अ फुल डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर बिफोर फिलिंग दी फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड बी अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। सो ये दोनों ही क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया है। एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, सिर्फ एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है। साथ साथ में जो कुछ भी आपके ड्यूटीज है और लोकेशन को लेकर जो क्वेश्चन है, तो न्यू दिल्ली या फिर कहीं भी इंडिया में, मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली विल बी योर लोकेशन। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि ये फॉर्म कब भरे जा सकते हैं, कौन से वेबसाइट पे भरे जा सकते हैं। सो अगर आप देखोगे तो www.upsconline.nic.in पे आप जाकर 8 तारीख से, मतलब फॉर्म ओपन हो चुके हैं और द लास्ट डेट इज 27। फॉर्म भर दिया बट उसको डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रिंट आउट लेके रखिए, बट क्योंकि 28 तारीख तक ही आप प्रिंट आउट और डाउनलोड करने का टाइम है यहाँ, क्योंकि आपको यह जो प्रिंट आउट है आपको इंटरव्यू में काम आएगा, ये इंटरव्यू में ये लगेगा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसीलिए आप साथ में ही इसकी पीडीएफ सेव कर लीजिए या प्रिंट आउट ही निकाल के रखिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये एग्जाम होगी या नहीं होगी या डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे। देखिए, ऐसा अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है, बट अगर सिर्फ अभी इनमें मतलब एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, बट अगर अपन लास्ट ट्रेन को देखेंगे तो इट इज लाइक दैट कि पहले एप्लीकेशन बुलाए जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू नहीं होकर डायरेक्टली आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटेड टेस्ट देनी पड़ेगी, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होती है वो, और फिर उसके ऊपर से इंटरव्यू कॉल किए जाएंगे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें। अब देखे जाए तो 2018 में जो टाइमिंग, मतलब जो भी सिलेबस था, उसको अपन एक बार देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये बार भी एग्जाम। तो सिलेबस जो भी है वो पूरा आपका आर्किटेक्चर का सिलेबस होगा, इसके अंदर थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फिजिकल प्लानिंग, बेसिक डिजाइन एंड विजुअल आर्ट, कैड, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हाउसिंग, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप, ये सब चीजें आपकी इस सिलेबस में होगी। लास्ट टाइम ऐसा था कि 75% वेटेज आपके ये एग्जाम को, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को रहेगा और 25% आपके इंटरव्यू को। सो मोस्ट प्रोबेबली सेम पैटर्न फॉलो होने का स्कोप है। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो आज से पढ़ाई चालू कीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एम्पल अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट आई है। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।